मोदी सरकार के खिलाफ फिर दहाड़ी बाप। राजस्थान में दहाड़े रोत तो दिल्ली में मोदी घबराए। भजन लाल को भी तगड़ा रुलाया। जनता के लिए रोत ने दिल्ली तक तख्त हिलाया। चौबीस के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मिली बीजेपी को करारी हार पार्टी के लिए एक ऐसी सीख बन गई है जिसे वो सदियों तक नहीं भुला पाएगी। राज्य में मिली करारी हार को पार्टी पचा नहीं पा रही है। सीएम भजन लाल लगातार मंथन कर रहे हैं। हार के बाद नौकरियां खोल दी गई। इसके साथ ही भजन लाल शर्मा भी काफी एक्टिव हो गए, लेकिन इस बार विपक्ष और भी ज्यादा मजबूत देखा जा रहा है। राज्य में मिली हार को लेकर कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि राजस्थान में मोदी ने या बीजेपी ने सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे उठाए, जबकि जरूरत राजस्थान के मुद्दों को उठाने की थी, जैसे पानी और रोजगार की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। लेकिन अफसोस, हार की वजह पता होने के बाद भी भजन लाल शर्मा इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जो काम सरकार को करना चाहिए उसे बाप पार्टी के संस्थापक और सांसद राजकुमार रोत कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि पूरा विपक्ष कर रहा है। दरअसल इस वक्त प्रदेश के लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। लेकिन बाप ने इसका बीड़ा उठाते हुए बिजली कटौती को लेकर मुद्दा उठाया और मोदी सरकार से लेकर भजन लाल तक को उनका कर्तव्य याद दिलाया। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती और जल संकट के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। विपक्ष के हल्ला बोल का नजारा गुरुवार को सीकर जिले में देखने को मिला, जहां लेफ्ट की आक्रोश रैली में स्थानीय नवनिर्वाचित सांसद अमरा राव, बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इन लोगों ने प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती, पानी की समस्या और बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाने की मांग उठाई। जिले में लगातार बिजली कटौती और पानी की समस्या लगातार ही बढ़ती जा रही है। पानी और बिजली की कटौती की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं और आमजन ने सीकर सांसद अमरा राम और धौत के पूर्व विधायक पेमा राम की अगुवाई में शहर के ढाका भवन से जिला कलेक्ट्रेट तक सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और माकपा कार्यकर्ता हाथों में बिजली और पानी की समस्या के समाधान की मांग, बैनर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर तक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सीकर जिला मुख्यालय पर हमारे लोकसभा के साथी कॉमरेड नव निर्वाचित सांसद अमरा राम जी के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर दिए जा रहे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होकर मेडिकल छात्र हनीमेश खाट को न्याय दिलाने को लेकर भी समर्थन मांगा। एक अन्य पोस्ट में रोत लिखते हैं, सीकर दौरे के दौरान बीच रास्ते में मित्र के घर, किसान आंदोलन और कॉमरेड अमरा राम जी को जिताने में योगदान देने वाले बड़े बुजुर्ग से मुलाकात की। इन बुजुर्गों ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और भील प्रदेश की लड़ाई जारी रखना है। जो हार उल गुलाम। राजकुमार रोत ने साफ दो टूक कहा कि सिर्फ यही नहीं, अगर राजस्थान में किसी अन्य क्षेत्र में भी उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर हाजिर होंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।